लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। मासल में जलयुक्त अभियान का सीमेंट बंधारे की दीवार टूटी, 100 एकड़ जमीन पानी में डूबी। राज्य के कृषि एवं सिंचाई विभाग की ओर से जलयुक्त शिवार अभियान के तहत सीमेंट बंधारा नियम बाह्य तरीके से निकृष्ट दर्जे का बनाने से पहले ही बारिश में बंधारे की मिट्टी की दीवारें बह गई, जिससे बगल के 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में पानी घुस गया। बताया गया कि सीमेंट बंधारा का तांत्रिक दृष्टिकोण से निर्माण कार्य नहीं करते हुए लाखांदूर तालुका कृषि कार्यालय द्वारा लाखों रुपया का गबन दिए जाने का आरोप है। लेकिन समीप किसानों ने आरोप लगाया है कि अत्यंत निकृष्ट मटेरियल इस्तेमाल कर बोगस काम किया गया। सीमेंट बंधारा की दोनों साइड की दीवारों को पत्थरों की पिंचिंग नहीं की गई, जिससे पहली बारिश में मिट्टी की दीवार टूट गई। वास्तव में जिस जगह सीमेंट बंधारा बनाया गया वह जगह टेक्निकली योग्य नहीं थी। यह कोई बड़ा नाला नहीं बल्कि 3 मीटर का पानी बह जाने वाली कैनल थी। मसलन बारिश का पानी खेतों में घुस जाने से अब किसानों की भारी क्षति हुई है। लाखांदूर तालुका कृषि अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर आधे से भी ज्यादा रुपयों का गबन इस सीमेंट बंधारे में करने का आरोप है। क्या जिला कृषि अधिकारी तथा भंडारा के जिला अधिकारी इसकी जांच करेगी? आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। मुझे बताइए कि ये जो बंधारा बना हुआ है अभी, ये बंधारे से आपको क्या लाभ हुआ है? बंधारा अच्छा बना हुआ है? नहीं साहब, नुकसान हो गई, पूरी नुकसान हो गई, कच्चा बांधना पूरा पानी फूट फाट सगड़ा हो गया। जी सब, ये जिससे दीवार भी टूटी हुई है, मतलब इसकी पत्थर की पिचिंग भी नहीं की है, नहीं, 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 नहीं। और वहाँ से बंधारा भी फूटा हुआ है अभी, हाँ, दिख रहा है ना, वो बंधारा भी फूटा हुआ है, फूटी है वो देखो। हाँ। ये जो है ना साहब, ये जो है ना, ये बंधारा पूरा निकृष्ट दर्जे का बना हुआ है और इसकी पिचिंग भी नहीं हो गई है। अच्छा। और ये जो है बहुत गलत तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे भेसड़ सीमेंट और सर सबको डाल के बना हुआ है। अच्छा, मतलब लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, यहाँ पे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। और इसी का नतीजा है कि आज किसानों की पूरी खेती डूबी हुई है, पूरी खेती डूबी हुई है। और हमारे पोरे डाले हैं साहब, वो पोरे भी पूरे खराब हो गए पोरे। अच्छा, ये अगर बंधारा यहाँ पर नहीं बनाया रहता, ये आज खेती की नुकसान नहीं हो रही थी? नहीं, यही चाहिए था। इसके पहले कुछ भी नुकसान नहीं थी, ये बंधारा बंधा है इसलिए नुकसान हो गई है। ये शासन को हमारे भरपाई देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी ये जो मिट्टी की जो दीवार बनी हुई थी या पत्थरों की पिचिंग करना था वो भी नहीं कर दिया। ये पहली बार से बंधारा बह के चला गया है ना, दोनों साइड से पूरा बह के चला गया, मिट्टी की और अच्छा। दगड़ की पिचिंग भी नहीं की है। अच्छा, और ये दीवार भी टूट गई है और जो साइड की जो दीवार है वो भी मिट्टी की थी, वो भी टूट गई है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको अभी इसको, मतलब इसकी जांच होना चाहिए? हाँ, जांच होना चाहिए और हमको ये खेत की भरपाई होना, होना क्योंकि अभी धान की रोपाई तो होंगी नहीं। नहीं, नहीं, परे सड़ गए तुम्हारे, है ना, तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये एकरी आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये सीमेंट के जो बंधारा बना इसके, अभी अभी हमने वो परे डाले हैं। अच्छा। वो तो परे पूरे खराब हो गए। अच्छा। और परे की भी वो बीजा लगा है उसमें 5,000-10,000 का, वो भी बीजा लगाया है हमारा। अच्छा। अब क्या करेंगे साहब, अब तो खाने के वाले आ गए। और ये बंधारे की भी जाँच होना चाहिए, बंधारे की भी जाँच होना चाहिए। और ये इसकी लेवल कम होनी चाहिए, ये यही पे नहीं चाहिए, ये यही पे चाहिए नहीं, क्योंकि इससे पूरी क्षेत्र हर बार चली जाएगी। अभी कितनी एकड़ की, मतलब नुकसान हुई होंगी यहाँ पर? 100 एकड़ का पूरा? 100 एकड़ का नुकसान है पूरा। अच्छा, केवल एक बंधारे की वजह से हो गई? सरासरी मुझे 50 हेक्टर की हो गई नुकसान। अच्छा, 50 हेक्टर के ऊपर, यहाँ से बंधारे से ऊपर तक, ऊपर तक के कैनल तक। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ये बंधारा अगर नहीं होता तो ये किसानों के नुकसान नहीं होता? पूरा पानी पास होता है पूरा। अच्छा, रुकावट नहीं रही थी और पानी जल्द से जल्द निकल जाता। जलयुक्त शिवार के माध्यम से कृषि विभाग ने यहाँ पर, लाखांदूर तालुका कृषि विभाग ने यहाँ पर जलयुक्त शिवार के माध्यम से सीमेंट का बंधारा बना, इसी वर्ष बना, अभी पहली बारिश यहाँ से निकल चुकी, लेकिन पहली बारिश के अंदर ये बंधारा पूरी तरह से फूट गया है। आप देख रहे हैं कि आजू बाजू से पूरा, मतलब पत्थरों की पिचिंग नहीं होने वजह से पूरी मिट्टी बह के चली गई।
और खास करके इसी बंदरे के वजह से कम 50 हेक्टेयर से भी ज़्यादा किसानों की खेती पूरी पानी में डूब चुकी है, क्योंकि नियम बाह्य पद्धति से ये बंदरा बनाया गया है, क्योंकि इसके लेवल जो है लेवल ऊपर जो हो चुकी है और खेत नीचे जाने से पूरा बारिश का पानी और गोसे डैम का भी जो पानी आता है वो पानी भी पूरी खेतों के अंदर जाता है। उसी वजह से पूरे किसानों की धान की खेती पूरी पानी के अंदर डूब गई है, अभी मतलब भारी क्षति पहुंची हुई है। खास बात यह है कि बंदरा बनाते हुए पूरा नियम बाह्य तरीके से बंदरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह दोनों साइड की जो दीवार जो है मिट्टी की दीवार है, केवल यार पत्थरों की पिचिंग नहीं करने की वजह से पूरी मिट्टी पहली ही बारिश में बह गई। बंदरा पूरा लाखों रुपये का, करीबन 12 लाख रुपये से भी ज़्यादा खर्चा इस बंदरे के ऊपर किया गया, लेकिन केवल 3-4 से 5 फीट मतलब 3 मीटर केवल ये इसकी जो डिस्टेंस है, इसके 3 मीटर का डिस्टेंस होने की वजह से पूरा का पूरा पानी एक साथ आने से पूरी मिट्टी यहाँ से बह के चली गई है। इसकी वजह से यहाँ के दोनों साइड के जो किसान हैं, करीबन 50 हेक्टेयर से भी ज़्यादा किसानों की खेती पानी के अंदर डूब गई है, अभी किसी भी तरह से यहाँ से फसल नहीं हो सकती। इस वजह से किसानों की भारी क्षति यहाँ पर हो चुकी है, लाखों रुपये की क्षति हो चुकी है, किसानों की क्षति हो चुकी है। निकृष्ट दर्जे का बंदरा बनाया गया, सीमेंट का बंदरा बनाया गया, लाखों रुपये का गबन भी कृषि विभाग के माध्यम से यहाँ पर किया गया। किसानों की मांग है कि इसकी जांच होना चाहिए और किसानों को जो क्षति पहुंची है उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। मनीषा लाइव एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।